Good morning, students. Yesterday we studied about images and types of objects. Okay. And today's our topic is image formation. Image formation by a plan. Image formation by a प्लान मिरर। तो सबसे पहले हम आज इसमें ये समझेंगे कि किस तरह से प्लान मिरर में हमारी इमेज बनती है। तो मैंने पहले ही बोला है कि प्लान मिरर को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ऑब्लिक लाइन पीछे से ड्रॉ करते हैं, तो इसका मतलब वो क्या होता है, इस वाली साइड पॉलिश्ड, दिस इज पॉलिश्ड सरफेस and this is reflecting surface. This one is reflecting surface. और हम इसको क्या बोलेंगे? Mirror. कौन सा mirror? Plane mirror. तो आपको ये मैंने कल बताया था कि object जो है point object भी हो सकता है और एक्सटेंडेड हो सकता है। तो मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा कि हाउ इमेज इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट, इन केस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, एंड हाउ प्लेन मिरर फॉर्म इमेजेस इन केस ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बोला था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है, सपोज दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो आपको ये समझना है कि किसी एक पॉइंट से ही हम रेडिएशन ड्रा करते हैं। और याद रखना कि जब भी इमेजेस बनाने हो तो सिर्फ दो ही रेज में काफी होती है, हमें इमेज का रिलेशन ऑब्जेक्ट के साथ जानने के लिए। ठीक है, टू डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट वी नीड टू ड्रॉ ऑनली टू लाइंस। तो सर सपोज मैं आपको ये बता रहा हूँ, सपोज दिस इज इंसिडेंट रे वन, इंसिडेंट रे, तो मैं इसको बोलूंगा आई वन। ओके, जिस जगह पे ये इस शीशे पे पड़ेगी, इस प्लान मिरर पे, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वन। एंड यहाँ से दूसरी रे आ रही है, दिस वन इज इंसिडेंट रे सेकेंड, एंड जिस जगह पे ये पड़ रही है हम इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेकेंड। तो होता क्या है कि इसका जो है ये नॉर्मल है, n1 बोलेंगे इसको, और इसका जो नॉर्मल है n2। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से लाइट रेज इमिट हुई तो वो कहाँ पे फॉल करे? प्लेन मिरर पे। तो प्लेन मिरर के दो पॉइंट पे हम उसको बोलेंगे p1 एंड p2। जब इससे इसकी रिफ्लेक्शन हुई तो देखिए, यहाँ से सपोज ये इस वे में रिफ्लेक्शन हो गई और ये इस वे में रिफ्लेक्शन हो गई, तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे वन एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे टू। एंड यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है, इमेज वहां पे बनेगी वेयर रिफ्लेक्टेड रेज रियली इंटरसेक्ट और सीम टू इंटरसेक्ट, या तो रियली इंटरसेक्ट करे या तो सीम टू, मतलब हमें ये लगेगा कि अपीयर टू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो हम ये बता रहे हैं कि जब यहाँ से आगे हम देखते हैं इनको तो ये क्या होते जाते हैं, ये डाइवर्ज होते जाते हैं। और हम कोई भी आइडिया लगा सकते हैं कि जब हम इनको और अगर प्रोड्यूस करेंगे तो ये दूर दूर होते जाएंगे, एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मीटिंग ऑफ दिस टू रिफ्लेक्टेड रेस इन रियल वे, रियली ये मीट नहीं करेंगे। बट हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको प्रोड्यूस करें बिहाइंड, अगर यहां के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो देयर विल बी ए पॉइंट बिहाइंड दिस मिरर। और यहां पे जैसे इनको प्रोड्यूस करना है, अब प्रोड्यूस करके हमें ये लग रहा है कि दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, एक तरह का हमें ओरिजिन लगेगा, या हम इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ इमेजिनरी रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे मीट, जब यहाँ पे मीट हो रही है, अगर इनको प्रोड्यूस करेंगे तो आपको पता है कि दिस इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ
ऑफ इमेज, तो इमेज की पोजीशन हमें यहां पे देखनी है। जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हमें ये दिखता है कि सपोज यहां पे एक्सेस है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होता है यू होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू होता है, और यहां से लेकर जो वी होता है इसका इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से हमें बाद में ये दर्शा रखा कि इनका जो डिस्टेंस है यू और वी क्या है, दे आर इक्वल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड वी डिस्टेंस आर इक्वल फ्रॉम द प्लेन मिरर, ठीक है। और इसी वजह से जहां पे हमारे इमेज बनती है, ये तीन चीजें याद रखें जरूरी, सेम साइज इमेज बनती है, इमेज इज ऑफ, एक तो सेम साइज बनेगी, दूसरा जो है हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज, क्या बनेगी वर्चुअल इमेज। तो कौन सी इमेज बनती है, हमारे वर्चुअल इमेज बनती है, और क्यों वर्चुअल, बिकॉज डॉटेड लाइन सीम्स टू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि मिरर ओपेक मटेरियल है, ये पीछे लाइट को जाने नहीं देगा, अगर ये लाइट को जाने देता तो फिर तो ये ओपेक नहीं होता, फिर तो हमारी इमेज ही नहीं बनती, रिफ्लेक्शन मतलब कि हमारा जो इमेज है शीशे में, जैसे हम ड्रेसिंग टेबल में देखते हैं अपने शीशे में, हमें हम शीशे से जितना आगे होते हैं उतनी ही हमें अपने मिरर से पीछे दिखती है, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि द इमेज इज फॉर्मेड इन साइड द मिरर, ओके। तो और विच टाइप ऑफ इमेज, इट इज वर्चुअल और या इन साइड द मिरर, मिरर के अंदर बनती है। और इसके बाद एक और बताते हैं हम कि इरेक्ट इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज, ठीक है। और चौथी बात है लेटरली लिटरली इनवर्टेड। ये तीन चीजें आपको पता होना चाहिए कि ये चार जो प्रॉपर्टीज हैं उस इमेज की होती हैं जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है। सिंपल बात है, सेम साइज का मतलब क्या होता है कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो उतना ही इमेज का डिस्टेंस भी होता है मिरर से, और इसलिए हमें हमारा जो साइज है वो उतना ही, जैसे आपको पता है आप शीशे में देखते हो, अगर आपका जितना बड़ा चेहरा हो उतना ही बड़ा है वहां पे उस मिरर में भी दिखता है। वर्चुअल इमेज इसलिए होती है बिकॉज द इमेज इज फॉर्मड इनसाइड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनती है, और हालांकि वहां पे रेज हमारे कोई भी जाते नहीं है, इसलिए वो इमेजिनरी इंटरसेक्ट करती है। कौन सी, रिफ्लेक्टिव रेज। और याद रखना कि इमेज का रिलेशनशिप हम तभी जान सकते हैं जब हम रिफ्लेक्टिव रेज का नेचर जान सकेंगे कि ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं वर्चुअल इमेज बनेगा, अगर ये रियली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो रियली इमेज, रियल इमेज बनेगी। और इरेक्ट इमेज जो है यहाँ पे बनती है, आपको पता है कि अगर आप शीशे के आगे सीधा खड़े हो तो आपका जो इमेज होता है वो भी सीधा खड़ा ही दिखती है। एंड लास्ट वन इज लिटरली इनवर्टेड। लिटरली इनवर्टेड का मतलब क्या होता है, योर राइट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिकम्स राइट, इसलिए हमारा लिटरल इन्वर्जन हो जाता है। आप देखोगे हम इफ यू राइज योर राइट हैंड, देन आप राइट हैंड अगर राइज करोगे देन द इमेज जो है इमेज आप में आप देखोगे जब, तो वे आपको वहां क्या लगेगा, वो इमेज वाला जो आपकी इमेज वो लेफ्ट हैंड उठा रहे होगी, ठीक है। इफ यू होल्ड योर ईयर विद राइट हैंड देन यू विल सी द योर इमेज इज होल्डिंग योर ईयर विद द लेफ्ट हैंड। सो दिस इज कॉल्ड लिटरल इन्वर्शन। लिटरल इन्वर्शन का मतलब क्या होता है कि लिटरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है ऑफ द राइट साइड आर ट्रांसफॉर्मेड टू लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट और लेफ्ट का होता है, दिस का लेफ्ट इन्वर्शन होता है। और आपको ये पता होगा लिटरल इन्वर्शन क्यों होता है, बिकॉज हम जब शीशे के आगे खड़े होते हैं आप इसको एक सीधा लेके चलेंगे कि एक सब सब पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो आपका इमेज रेज जहाँ से अराइज होगी, ठीक है, तो बॉडी का डायमेंशन भी है ना कुछ, अगर यहाँ से रेज जाएंगे तो वो उस तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड से रेज जाएंगे तो वो उस तरफ जाएंगे। इसी तरह से हम जो जब शीशे के अंदर जो हमारी इमेज बनती है हम एक्चुअली ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए जो हमारा राइट पोर्शन होता है वहाँ पे हो जाके लेफ्ट बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड हाउ इमेज इज फॉर्म बाय प्लेन मिरर व्हेन द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये क्या है पॉइंट ऑब्जेक्ट,
पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में कैसी जो है रेस बनती है। ओके, इसके बाद मैं आपको सेकंड वाला बताता हूं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करें, सपोज वी हैव दिस इज द प्लेन मिरर। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल मिरर के नजदीक खड़ा हो और उसकी एक हाइट। ओके, सपोज दिस इज एन एक्सटेंडिंग ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडिंग ऑब्जेक्ट तो एक्सटेंडिंग ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पे आप देखोगे कि सबसे पहले यहां से एक पैरेलल रे जा सकती है यहां। ठीक, ये पैरेलल रे जब यहां जाएगी तो इसी रास्ते वापस आ जाएगी। ठीक, बिकॉज ये जीरो पे पार कर रही है तो जीरो पे ही वापस आएगी। तो आप देखोगे कि दूसरी रे जो है, आप अगर इस पोजीशन में बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल। ठीक है, दिस इज नॉर्मल वन और ये जो रे है ये इस वे से आ जाएगी वापस। ठीक है, सेकंड चीज आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर हमें तो ये रियली में मीट नहीं कर रही, क्योंकि ये यहाँ से आएगी तो यहाँ से पीछे निकल जाएगी। ओके, तो ये देखो ये नीचे जा रही है, तो रियल में इसका चांस नहीं है कि ये कहीं में कहीं आगे जाके मीट करे। फिर हमें वही मैथड ड्रॉप करना है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बैकवर्ड की तरफ। तो अगर हम इसको इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, तो इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे और इसको भी इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे एक हमारा पॉइंट आ जाता है। ठीक, जहाँ पे इसका क्या बनेगा, हमारा हेड जो है उसका हेड की लोकेशन आ जाएगी इसके हेड की। फिर हम क्या कर सकते हैं, सपोज हम इसको थोड़ा सा और लेंथ कर लेते हैं, लंबा कर लेते हैं, तो यहाँ से फिर दूसरे रे जाएगी। ठीक है, एक तो फुट से जाएगी, एक हेड से, मतलब हमें सिर्फ तो जो है दो ही रेस एक जगह की पोजीशन को लोकेट करने के लिए एक जगह से दो रेस को क्या करना है, अराइज करना है। तो सेम वे यहाँ से रेस जाएगी जीरो डिग्री एंगल पे, वापस भी इसी एंगल से वापस हो जाएगी जीरो डिग्री पे। ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड में इस तरह से ये जो रे है इंसिडेंट रे टू डालेंगे हम। ठीक, ये फुट है इसका समझो इमेज का, ये क्या है, हेड बॉल। ओके, तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल बनेगा दिस इज कॉल्ड एन टू, और इसी तरह से मैं इसको जो है ये रिफ्लेक्टिव रे टू, दिस इज रिफ्लेक्टिव रे वन, रिफ्लेक्टिव रे टू। और ये देखिए यहाँ पे भी वही हुआ, यहाँ से अगर इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे ये इसकी तरफ जा रही है, और यहाँ से देखोगे तो ये नीचे जा रही है। तो देयर इज नो चांस ऑफ मीटिंग दिस टू रिफ्लेक्टेड रेस। ठीक है, बट इफ दे आर प्रोड्यूस बैकवर्ड, ठीक है, इन द डॉटेड लाइंस। ठीक है, अगर डॉटेड लाइंस के फॉर्म में अगर इनको हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा तो इस पॉइंट का जो ये हमारे पास, ठीक है, अगर हम इसको इस तरफ अलग करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये जो है तो इरेक्ट इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, लिटरली इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, सेम साइज बनेगी, ये भी क्या बनेगी, सेम साइज और वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्यों, बिकॉज डॉटिंग लाइंस और सेम टू इंटरसेक्ट ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर, एंड हेंस एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस डॉटेड लाइंस देयर यू विल बी द लोकेशन ऑफ अवर इमेज। ठीक है, तो इन दिस वे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में किस तरह से आपको जो है ये इमेज फॉर्मेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट, दिस इज हाउ इमेजेस आर फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। तो आपको पता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। सबसे पहला जो है टू सी आवर सेल्फ। ठीक है,
और इसीलिए हम इसको जो ड्रेसिंग रूम में हम इसको लगाते हैं, हमें कपड़े पहनने हैं या तो हमें बाल बनाने हैं, वट एवर वी सी जो हम अपने आप को देखना है, तो हम क्या करते हैं इसको प्लेन मिरर को यूज करते हैं। भाई हम प्लेन मिरर को प्रेफर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये क्या देता है, हमें डायरेक्ट इमेज देता है और हमारा जितना साइज होता है उतनी इमेज हमें दिखती है। सेकेंड वन इज टू मेक पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो है ये बनाने के लिए काम आता है। पेरिस्कोप को आप जानते होंगे क्योंकि पेरिस्कोप का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई भी चीज है आपको यहाँ पे जो है यहाँ से देखनी है, ठीक है, आप लाइट डालेंगे तो इस तरह से ये पेरिस्कोप होती है। अगर आपको यहाँ पे जिसे देखिए, यहाँ पे मिरर लगाया जाता है और यहाँ पे मिरर लगाया जाता है, तो जब भी हम यहाँ पे हम यहाँ से जो है देखना है तो देखना कहाँ पे, जिस जिस जगह पे कोई जानवर चल रहा है, ठीक है, ये जानवर है तो हमें यहाँ से देखना है, तो बिकॉज यहाँ से हम ऐसे डायरेक्टली देख नहीं सकते, बट व्हेनेवर द लाइट रेज कम्स फ्रॉम हियर, ठीक, यहाँ लाइट आती है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट पड़ती है तो यहाँ आती है, यहाँ से यहाँ जाती है और यहाँ से जो है हमारी आंखों में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे कहते हैं पेरिस्कोप। और यूजुअली हमें पेरिस्कोप जो है सिर्फ पानी शानी में देखने के लिए या जिस जगह पे हम, जिसे आपको पता है कि पेरिस्कोप में ये कोई चीज नीचे है, जैसे पुल के नीचे कुछ है वहां देखना होगा ऊपर से, तो उस समय में हम पेरिस्कोप यूज कर सकते हैं। सेकेंड थर्ड जो इसका यूज है एज रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर इन माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो प्लेन मिरर है इसका यूज जो है हमारे पास कितने काफी हैं, ठीक है, तो प्लेन मिरर का जो है ये ज्यादा यूज इज ऑफ प्लेन मिरर। नाउ इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिलेशन, हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द स्फेरिकल, जैसे देखो स्फेरिकल ही कहां आता है, तो स्फेरिकल का मतलब आप ये समझोगे कि बॉल की तरह कोई शेप है, तो इसका मिरर बनाया गया है। तो अगर आप ऐसा सोचोगे ये ग्लास का बना हुआ है, ठीक, ग्लास का बना हुआ है ये गोल बॉल सा, वो टूट जाता है, टूट के इसके जो है पीस पीस बनेंगे, कोई ऐसा बनेगा कोई ऐसा, ठीक है, तो ये जो पीसेस बनेंगे इस तरह से, ये सारे के सारे जो पीसेस है ना, हम इनको क्या कर सकते हैं, इनका स्फेरिकल मिरर बना सकते हैं, ठीक, जैसे ये अगर यहाँ से टूट गया तो हमारे पास ऐसा ये बन गया, तो शीशा तो जैसा ऐसा होगा ना ऐसा, लेकिन हम इसको डायग्राम बना देते हैं ऐसा दिखाते हैं, जब आगे से फोटो खींचेगा कोई तो ये ऐसे आर की आती है, ठीक है, हम ऐसे उसको नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे रे डायग्राम में ये जो है हमें बाय यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो हमारे रेस फॉल करनी चाहिए। तो स्फेरिकल मिरर को अगर हम यहाँ से पॉलिश कर दें बाहर वाले साइड से, बल्किंग आउट वाले कर दें तो कॉनकेव होता है, और अगर इसी को अगर हम यहाँ से पॉलिश कर देते अंदर से और ये रिफ्लेक्टिंग करते, ठीक है, तो हमारे पास इसको क्या कहते हैं, कन्वेक्स, कन्वेक्स, कन्वेक्स। इसमें देखेंगे आप जो किससे बनता है, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। तो आप इसको देखोगे
जब भी कोई चीज हॉलो स्फीयर होगा तो वो समझ लेना आप ये चीज होगी और इसका कोई सेंटर होगा, ओके, क्योंकि इसका जो सेंटर होगा इट विल बी कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम लिखेंगे, देखिए इट कैन बी ऑफ, कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स होता है। पहला है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और दूसरा जो है कॉनवेक्स मिरर। तो दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, वन कॉनकेव एंड सेकंड वन इज कॉनवेक्स। तो इसमें आपको ये बताऊंगा कॉनवेक्स मिरर क्या है, इसको लिखिए इट इज ए टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, इज ए टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर हूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस सरफेस इज बेंट इन, बेंट इन, ठीक है। या आप इसको बोलते हैं कर्व इनवर्ड, से यू आर विद कर्व, कर्व इनवर्ड, ये दोनों टर्म आप यूज कर सकते हो। और इसको मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो कॉनकेव मिरर है यहां से इसको पॉलिश किया जाता है बैक साइड से, तो इसकी आपको पता है ग्लास से जब जो शीशे का पीस मिलेगा हमारे को उसकी दो साइड होगी, एक ऐसा है, देखिए ये जो जैसे देखिए BULGING बल्जिंग आउट, ये बाहर के लिए निकली हुई है और ये क्या है बेंट इन, अंदर के लिए जो है वो है, ये अंदर के लिए, ये बाहर के लिए। तो अगर हमारा ये जो है ये क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अंदर के लिए हो तो बाहर वाली साइड पर पॉलिश हो, हम उसको क्या बोलते हैं दिस इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ओके। और इसको हम क्या लिखे इट इज ए टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर हूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज्ड आउट, जिसकी बाहर के लिए निकली होती है सरफेस, ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे कॉनवेक्स मिरर। तो हम इसको कैसे ड्रा करते हैं, इस तरह से ड्रा करते हैं और अंदर वाले जो बेंट इन सरफेस है उसको पॉलिश कर देते हैं और ये वाली साइड जो है क्या रहती है रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग रहती है और ये वाली साइड क्या रहती है पॉलिश रहती है, ठीक है। तो दिस इज कॉनवेक्स मिरर एंड दिस इज कॉनकेव मिरर, तो दो टाइप के मिरर जो हमारे पास होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं स्फेरिकल मिरर की टाइप होती है। तो स्फेरिकल मिरर जो है ये भी हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होती है, यहाँ पे मैं आपको इसका यूजेस बताऊंगा और ये किस तरह से इमेजेस बनाते हैं इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। बट सबसे पहले मैं एक कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बता दूँ, कल हम फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक मिरर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दिस मिरर इज सपोज टू बी कॉनकेव, कौन सा है कॉनकेव। फिर क्या करते हैं हमारे पास यहाँ पे सेंटर पे इसका एक पॉइंट होता है, उसको पोल बोलते हैं, और यहाँ पे सपोज पोल के बाद सपोज ये इतने बड़े जो है स्फीयर का बना हुआ है और इसका कोई ना कोई क्या होगा सेंटर पॉइंट होगा, ओके। दिस सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप देखिए ये जो हम तो नहीं रखेंगे इसमें, और इस इन दोनों पॉइंट से एक हमारे पास इमेजिनरी जो है लाइन पास होती है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद ये वाला पॉइंट जहां पे मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं दिस इज कॉल्ड पोल, क्या बोलते हैं इसको पोल। इसके बाद जो है यहाँ से और यहाँ से इमेजिनरी सेंटर में हम रख देते हैं फिलहाल, बाद में मैं इसके बारे में बताऊंगा। इट इज ए पॉइंट, अब ये जब भी देखना मैं ये कहूँ ये पॉइंट क्या, जब भी कोई रे पैरेलल आएगी, ठीक है, जब ये पास होगी तो कन्वर्ज होने के बाद ये जो रिफ्लेक्ट होने के बाद इट विल ऑलवेज पास थ्रू ए पॉइंट विच इज प्रेजेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, क्या बोलते हैं इसको प्रिंसिपल
focus. Okay? और the distance between pole, points of focus से और इस pole का जो distance है उसको small f से denote करते हैं and that is called focal length. It is called focal length. Okay? तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज रहेगी और last term जो मैं आपको बताऊंगा this is the diameter of the mirror. The diameter of the mirror is called its aperture. ठीक है, ये अपर्चर होता है कि इसका जो डायमीटर है या इसका फेस का एरिया जो है वो कितना है, इसको हम अपर्चर कहते हैं. ये सभी टर्म्स के बारे में आप इसको लर्न करके लाना और इसको इसके बारे में अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए. ये तो आगे वाला जो टॉपिक है अच्छी तरह समझ में आएगा. तो थैंक यू, आज का मेरा लेक्चर इतना ही था. तो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक.